नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में एलजी के प्रधान सचिव ने लिखी चिट्ठी, केजरीवाल पर लगाया कम कैलोरी लेने का आरोप। दिल्ली में मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबेरॉय ने बजट में मांगे एमसीडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए। दिल्ली में यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही दिया इस्तीफा। विदेश मंत्रालय ने बताया हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से 978 भारतीय छात्र घर लौटे। एनसीआर की तर्ज पर बनाए जा रहे एससीआर के लिए यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी का सेंट्रल सिटी वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर किया अपलोड। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 3 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। तमिलनाडु के फिश प्रोसेसिंग प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, 30 महिला कर्मचारी हुई बीमार। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। 21 जुलाई को कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। मुंबई में एक इमारत की बालकनी गिरी, 1 महिला की हुई मौत, 3 घायल। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी मर्डर केस में 3 और आरोपी गिरफ्तार। ट्रंप ने स्वीकार की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दी बधाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।